तो दोस्त, आज के शुरू में बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीटीसी, मतलब कि जब आप किसी कंपनी में हायर होते हो, आपको ऑफर लेटर रिलीज किया जाता है, तो कंपनी आपको बोलती है कि आपका 5 लाख सीटीसी है, आपका 10 लाख सीटीसी है, 15 लाख सीटीसी है, जो कि आपको पर एनम या पर ईयर में दिया जाता है। तो एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन ऑफ सीटीसी होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो सबसे पहले पॉइंट आता है, जो आपकी मंथली सैलरी काउंट होती है, अगर फॉर सपोज मान लो किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसको इन हैंड अराउंड कुछ 42,000, 43,000 या मैक्स 44,000, 45,000 के आसपास उसको मिल रहा होता, तो वो टोटल सीटीसी आपका मंथली कैलकुलेट होता है। उस मंथली कैलकुलेशन में अब आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। इन हैंड सैलरी में क्या होता है कि आपका एक तो बेसिक सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी अगर मान लो आप 40 से 50 हज़ार फॉर एग्जांपल सैलरी पे हो, तो आपका बेसिक सैलरी अराउंड अराउंड, मतलब हो सकता है हर एक कंपनी में अपना अलग अलग रूल हो, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 90% आपको सेम मिलने वाला है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, अगर 40 से 50 हज़ार की सैलरी पे हो या उससे नीचे हो, तो अराउंड अराउंड 15,000 आपको एक बेसिक सैलरी मिलने वाली है। हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि जो हाउस का रेंट होता है, वो आपको लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच में मिलने वाला है, जो कि आपको इन हैंड में मिलेगा। और इसमें हम लास्ट में बात करेंगे कि कंपनी जैसा करती क्यों है, आपका टोटल कॉस्ट क्यों उसमें इतना सारा बना के दिखाते हैं वो। तो हाउस रेंट अलाउंस आपका हो गया 7 से 8 हज़ार रुपये। एंड जो थर्ड होता है वो होता है फ्लैक्सी अलाउंस, जो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है। तो वो एक फ्लैक्सी अलाउंस होता है, जो कि आपको दिया जाता है कंपनी के एंड से। ये तीन मेजर पार्ट होते हैं आपकी सीटीसी कैलकुलेशन के लिए। कंपनी हो सकता है एक दो पार्ट इसमें और एड ऑन कर देती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं। तो बेसिकली आपकी सैलरी जो काउंट होती है, वो बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको इन हैंड मिलती है। तो ये आप टोटल अगर मिला जुला के देखोगे, तो आपका 40 से 42 हज़ार के आसपास निकलने वाला है टोटल इन हैंड जो आपको आएगा। अब इसी में कंपनीज क्या करती हैं, एक आपने ऑप्शन सुना होगा एम्प्लॉयर शेयर पीएफ का। तो आपका जो पीएफ कंपनी सबमिट करती है, जैसे अब वो आपका लगभग 700-800 रुपये पीएफ के कंपनी आपको सबमिट करती है, इतनी सैलरी की अगर मैं बात करूं। एंड इसके बाद आपका जो पीएफ कट रहा होता है इस इन हैंड सैलरी के अलावा, वो 1800 के आसपास आपका 15,000 अगर बेसिक है, आप एक मान के चलो एक फिगर में कि 1700 से 2,000 के बीच आपका पीएफ कटने वाला है मंथली। तो 1800, अब मैं मान के चलता हूँ 1800 रुपये, ये हुआ 700-800 रुपये आपकी कंपनी दे रही है। तो 2500 के आसपास आपका पीएफ सबमिट हो रहा है मंथली, और आपको सैलरी मिल रही 42,000 के आसपास मंथली। इसके अलावा कंपनीज के अलग एड ऑन्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया नाइट शिफ्ट अलाउंस, डे शिफ्ट अलाउंस या मॉर्निंग शिफ्ट अलाउंस। तो ये कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, कोई कोई कंपनी ये फॉलो करते हैं, कोई कंपनी फॉलो नहीं करते हैं। तो बेसिक ये मीन थ्री मेजर पार्ट होते हैं उसके। बाकी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में आपका पीएफ, आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका पैन नंबर होगा, आपका पीएफ का पासबुक नंबर होगा, आपका यूएन नंबर हो सकता है उसमें, और आपका नंबर ऑफ डेज वर्किंग होगा, इस तरीके से होता है पीएफ। तो बेसिकली इस तरीके से आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है मंथली। एंड ये सैलरी अब कंपनीज करती क्यों है, वो सिर्फ इस वजह से करती है मेरे दोस्त, कि अगर उन्होंने सपोज आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये दिखाई है, तो आपकी वो टोटल कैलकुलेशन मिला के 40,000 के आसपास बनेगा। अगर वही कंपनी ने बेसिक सैलरी फॉर सपोज अगर मान लो उन्होंने 20,000 दिखा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5,000 उधर बढ़ा तो आपका 40 से यहाँ 45 होगा, तो आपका हो सकता है 55,000-60,000 बनेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपका मंथली जो आपको क्रेडिट होना है आपके बैंक अकाउंट में वो काउंट होता है। अगर आपका बेसिक 5,000 बढ़ा, तो आप समझ लो इन हैंड आपका 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। तो अगर कहीं भी इंक्रीमेंट की बात चल रही है, कुछ भी बात चल रही है, तो आप वहाँ पर बेसिक सैलरी का जरूर चेक करवाना कि हमें बेसिक सैलरी इतनी दो, और इसके बाद आपको जो सीटीसी मिलने वाला है वो काफ़ी सारा अच्छा मिलने वाला है। बाकी अगर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे लिंक दी हूँ, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर मेरा बेस्ट रिज्यूमे चाहिए जो आपको 100% शॉर्टलिस्ट कराएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में नई वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।